हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेसन के लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सामग्री देखते हैं। एक कप बेसन, एक चौथाई कप घी, आधा कप चीनी का पाउडर, चुटकी भर केसर, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, एक चम्मच कटा हुआ पिस्ता सजाने के लिए और एक चम्मच कटा हुआ बादाम सजाने के लिए। इसे बनाने की रेसिपी है, सबसे पहले एक थाली में बेसन छान लें और उसे एक तरफ रख दें। उसके बाद एक कढ़ाई में कम आंच पर घी गरम करें। जब घी गरम हो जाए तो उसमें छाना हुआ बेसन डालें, उसे अच्छी तरह से मिला लें। लगातार चमचे से चलाते हुए उसे सुनहरे भूरे रंग का होने तक भून लें। बेसन भूनने के बाद उसमें खुशबू आने लग जाएगी। इसे भूनने में लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। अब गैस बंद कर दें और इसमें केसर और इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिला लें। मिश्रण को एक थाली में निकालें और ठंडा होने दें। जब मिश्रण गर्म हो तब उसमें चीनी मिला लें। मिश्रण के छोटे छोटे लड्डू बना लें और ऊपर से बादाम और पिस्ता डालें और ठंडा होने दें। इन्हें एक प्लेट में निकालें। लड्डू तैयार है, आप इन्हें नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। थैंक यू।